इसके पीछे का कोई रीजन हो सकता है मेरे भाई। जितने लोग भी इंडियन आर्मी की तैयारी करते हैं, मतलब सभी लोगों के मन में बस यही चल रहा था। 2019 में भर्ती कराई गई थी जो 2020 में ऑनलाइन कराया गया, पूरा का पूरा डाटा परमानेंट डिलीट कर दिया गया। ऐसा कुछ भी नहीं देखने को मिला है, कोर्ट में चल रहा था। अगर इन लोगों का पेपर दोबारा करा दिया, बदलाव इसमें कर दिया जाए। जय हिंद एवरीवन, अभी इंडियन आर्मी के ऑफिशियल वेबसाइट में एक बहुत बड़ा बदलाव किया गया है। मैं आप लोगों को सारी चीजें लाइव दिखाऊंगा, थोड़ा सा भी कंफ्यूजन में पड़ने की जरूरत नहीं है। इसके ऊपर बहुत सारे लोग वीडियो भी बना चुके हैं, लेकिन ये वीडियो सिर्फ उन भाइयों के लिए है जिनको इसके बारे में कुछ भी नहीं पता है। आप सभी लोगों को ये बात अच्छी तरह से पता होगा, जिस दिन इंडियन आर्मी के अंदर TOD लागू हुआ, जिस दिन इंडियन आर्मी का नाम बदलकर अग्निपथ रखा गया, उसी दिन से, मतलब जब से हम लोग का ऑनलाइन चालू हुआ हमारे यारों का नाम, तो पुराना जितना भी डाटा था, जैसे मान लो 2019 में जो भर्ती कराई गई थी, 2020 में जो ऑनलाइन कराया गया था और 2021 में जो ऑनलाइन कराया गया था, मतलब वो पूरा का पूरा डाटा इंडियन आर्मी के ऑफिशियल वेबसाइट पर नहीं दिख रहा था। उस पुराने डाटे को डिलीट कर दिया गया और जितने भी भाई तैयारी कर रहे थे वो लोग आपस में चर्चा भी कर रहे थे कि भाई पुराना जितना भी भर्ती हुआ था, जो परमानेंट भर्ती था, उसका पुराना का पूरा डाटा डिलीट हो गया है। लेकिन अभी पता है क्या देखने को मिला है, जितना भी भर्ती कराया गया है 2019 में, 2020 में, 2021 में, 2019 में भर्ती कराई गई थी, 2019 में सिर्फ इंडियन आर्मी का जब भर्ती आया ना, तो मतलब बस ऑनलाइन हुआ और कुछ दिन बाद बताया गया कि ये भर्ती पोस्टपोन्ड हो गई है, फिर मतलब ऐसे मतलब किया गया, तो वो पुराना पूरा का पूरा डाटा फिर से ज्वाइन इंडियन आर्मी का ऑफिशियल वेबसाइट पर डाल दिया सब, ठीक है ना। तो अभी आप लोग सारी चीजें लाइव देख लो, ज्वाइन इंडियन आर्मी का ऑफिशियल वेबसाइट। जैसे ही ज्वाइन इंडियन आर्मी का ऑफिशियल वेबसाइट पर आएंगे तो सबसे नीचे चले जाना है, जहां पर JCUR अप्लाई लॉगिन लिखा गया है, इसके ऊपर व्यू वॉल लिखा गया है, तो इस पर क्लिक करना है। जैसे ही व्यू वॉल पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने दूसरा पेज खुल कर आ जाएगा, तो यहां भी नीचे चले जाना है, नीचे अचीव नोटिफिकेशन जहां पर लिखा गया है तो इस पर क्लिक करना है। जैसे ही अचीव नोटिफिकेशन पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने दूसरा पेज खुल कर आ जाएगा, फिर आपको नीचे चले जाना है। ये वाला जो पेज खुला है ना, आप लोग यहां पर देख सकते हो, मतलब जो 2022 में भर्ती निकाली गई थी, ये मतलब कहीं किसी यारों का है, दानापुर का है, 18 नवंबर का नोटिफिकेशन है, तो उसका नोटिफिकेशन दिखा रहा है, और ये भर्ती भी 2022 में निकाली गई थी। तो मिला जुला कर यहाँ जो कुछ भी दिखा रहा है, 2022 में जितनी भी भर्तियां निकाली गई थी उसके बारे में बताया गया है। यहाँ आप लोगों को नीचे ये वाला जो ऑप्शन से दिख रहा है ना, जहाँ पेज लिखा गया है और तीर का निशान बनाया गया है, तो इस पर आप लोगों को क्लिक करना है, इस वाले पर क्लिक करना है। जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो इसके पीछे वाला जो डाटा है वो पूरा का पूरा डाटा आप लोगों के सामने आ जाएगा। 2021 में जो इंडियन आर्मी का ऑनलाइन कराया गया था, भर्ती पोस्टपोन्ड कर दिया गया था, उसका भी पूरा का पूरा डाटा यहाँ पर आ चुका है और सभी आरओ का डाटा यहाँ पर दिख रहा होगा। और इस पर जैसे ही दोबारा क्लिक करेंगे ना, तो मतलब 2019 में जो ऑनलाइन हुआ था उसका भी डाटा आप लोगों के सामने आ जाएगा। 2020 में इंडियन आर्मी का ऑनलाइन कराया गया था, उसका भी पूरा का पूरा डाटा आप लोगों के सामने आ गया है और यहाँ पर पोस्टपोन्ड भी लिखा गया है। आप सभी लोगों को ये बात अच्छी तरह से पता है, मतलब जिस टाइम कोरोना था उस टाइम इंडियन आर्मी भर्ती का नोटिफिकेशन तो निकाला गया था और बहुत सारे जगहों का ऑनलाइन भी हो गया था, लेकिन भर्ती को पोस्टपोन्ड कर दिया गया था, तो सभी लोगों को लग रहा था कि पूरा का पूरा डाटा डिलीट हो चुका है। लेकिन देखो भाई, अभी फिर दोबारा मतलब ऑफिशियल वेबसाइट पर आ चुका है, ऑफिशियल वेबसाइट से आप लोग सब कुछ देख रहे हो, तो पुराना पूरा डाटा आ चुका है। एक यारों का डाटा मैं आप लोगों को नहीं दिखाया हूँ, ज्वाइन इंडियन आर्मी के ऑफिशियल वेबसाइट में पुराना जितना भी डाटा दिखाया गया है, पूरा का पूरा डाटा मैं आप लोगों को दिखा दिया हूँ, जो भर्ती पोस्टपोन्ड कराई गई थी। अगर आप लोग अपने यारों का डाटा देखना चाहते हो तो ज्वाइन इंडियन आर्मी के ऑफिशियल वेबसाइट में जाकर देख सकते हो। और देखो, ज्वाइन इंडियन आर्मी के ऑफिशियल वेबसाइट में ये जो पुराना डाटा दिखाया गया ना, इसके पीछे का कोई रीजन हो सकता है मेरे भाई, क्योंकि काफी दिनों से ये डाटा नहीं दिख रहा था। और जितने लोग भी इंडियन आर्मी की तैयारी करते हैं, मतलब सभी लोगों के मन में बस यही चल रहा था कि जो 2019 में भर्ती कराई गई थी, जो 2020 में ऑनलाइन कराया गया था, जो 2021 में ऑनलाइन कराया गया था, वो जितना भी डाटा था, पुराना पूरा का पूरा डाटा परमानेंट डिलीट कर दिया गया है, मतलब हमेशा हमेशा के लिए डिलीट कर दिया गया है। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं देखने को मिला है, इतना दिन बाद फिर से दोबारा ज्वाइन इंडियन आर्मी के ऑफिशियल वेबसाइट में सब कुछ दिखाने लग गया है। तो अब देखते हैं इसके पीछे का रीजन क्या होता है। वैसे मतलब 2020 में बहुत सारे यारों का दौड़ करा दिया गया था, उन लोगों का मेडिकल भी करा दिया गया था, बहुत सारे लोगों के पास NCCC का सर्टिफिकेट था, उन लोगों को तो पेपर ही नहीं देना था, और बहुत सारे लोगों के पास NCCC का सर्टिफिकेट नहीं था तो उन लोगों को पेपर देना था। लेकिन जिस दिन इंडियन आर्मी के अंदर TOD लागू हुआ, जिस दिन इंडियन आर्मी का नाम बदलकर अग्नि भी रखा गया, उसी दिन मतलब सब कुछ बदलाव कर दिया गया। जिन लोगों का पेपर होना था उन लोगों का पेपर रद्द करा दिया गया और दोबारा अग्निवीर का भर्ती चालू कर दिया गया, तो पुराना पूरा का पूरा डाटा डिलीट कर दिया गया था। आप देखते हैं क्या होता है, मतलब जिन लोगों का पेपर रद्द कराया गया था उन लोगों का केस अभी कोर्ट में चल रहा था, अभी फाइनल डिसीजन नहीं आया था, तो वो फाइनल डिसीजन अभी आने वाला है। हो सकता है इन लोगों का पेपर दोबारा करा दिया जाए, नहीं तो ये जो भर्ती 4 साल वाली है, मतलब कुछ बदलाव इसमें कर दिया जाए। तो जो कुछ भी होगा देखा जाएगा, फिलहाल आप लोग अपना तैयारी अपने हिसाब से करते रहना, ठीक है ना। देखो, जितने लोग भी इंडियन आर्मी की तैयारी करते हैं सब लोग दूसरे कैटेगरी में चले गए हैं, ये बात मुझे अच्छी तरह से पता है। बहुत सारे लोग SSCED का तैयारी करने लगे हैं, कोई भाई मतलब पैरामिलिट्री फोर्स का, कोई भाई अपने स्टेट पुलिस का तैयारी कर रहा है,
तो आप लोग अपना अच्छे तरीके से पढ़ाई करते रहना मेरे भाई। और बहुत सारे लोगों का ऐसा कमेंट आता है, नीलेश भाई अभी आप प्रेजेंट टाइम में क्या कर रहे हो? तो अभी देखो मैं ANCCC मतलब पेपर होने वाला है ना, मतलब 19 फरवरी को मेरा पेपर होने वाला है, तो उसी के पीछे पढ़ा हूँ मेरे भाई। मैं मतलब बहुत साल इसके पीछे गवा दिया हूँ, तो मैं नहीं सोचता हूँ, मैं नहीं चाहता हूँ कि ये फील्ड मैं इतना आसानी से छोड़ दूँ। अभी मैं इसी में लगा हुआ हूँ, ठीक है ना। आप लोग अपना तैयारी अपने हिसाब से करना, दूसरे को देखकर नहीं चलना है। फिलहाल जो भी नोटिफिकेशन निकाला जाएगा मैं आप लोगों को सारी चीज़ें आसानी से बता दूंगा, थोड़ा सा भी कन्फ्यूजन नहीं होगा, ठीक है ना। चलो ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।